जी व्यूज़, अभी मैं आपको जो है वो बच्चों के लिए कुछ प्ले लैंड बनाया गया है उसका विज़िट करवाऊंगा। तो अभी मैं आपको जो है वो ऊपर वाले जो हॉल में लेकर आया हूं, तो अभी आपको मैं दिखाता हूं, तो आइए चलते हैं। जी व्यूज़, ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो गेम है बच्चों के लिए रखी गई। ये टोकन यहाँ से हासिल करें, ये आप देख सकते हैं फ़ी टोकन की कीमत है 20 रुपीज़। ये बच्चों के लिए कुछ छोटी गाड़ियाँ रखी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर में है। और ये जो इसका जो ग्राउंड बना हुआ है ये आप देख सकते हैं इसको कवर किया गया है। ये इसकी एंडिंग है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ही इसका ट्रैक बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर सहूलतें रखी गई हैं, और इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एक और झूला जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे बच्चे भी हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और जो है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, 3 साल के बच्चों के लिए है ये झूला इलेक्ट्रॉनिक्स। ये घूमता है, ये आप चेयर देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो बच्चा बैठ के जो है इसको एंजॉय करता है, ये आप देख सकते हैं। ये 3 साल के बच्चों के लिए है, ऊपर लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं एक बोर्ड नुमा जो है झूला है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजली मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके ऊपर भी जो है बच्चे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ और वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको जो है वो हैंड बॉल जो है वो गेम दिखाने लगा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि गुट वाली गेम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और पायदारी से यह है, ये देखें बनाई गई है। इसको हम हैंड बॉल कहते हैं और आमतौर पर इसको जो है वो गुट वाली गेम भी कहते हैं, ये भी बच्चों के लिए है। तो ये एक और झूला जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें इसके ऊपर हॉर्स बने हुए हैं, ये मैं आपको इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि 3 बच्चे जो है इस पर जो है एक टाइम पर बैठ सकते हैं। ये डक बनी हुई है, उसके साथ 2 हॉर्स बने हुए हैं, ये उसके साथ छोटे बच्चों के लिए वो स्नोकर बनाया गया है, ये देखें। ये ऊपर जो है वो बच्चों के लिए ये सारा कुछ बनाया गया है, प्ले लैंड सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। तो ये एक मुर्ग भी बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, ये देखें ये एक गाड़ी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसके साथ जो है एक खूबसूरत जो है वो बग्गी बनाई गई है, जिसको हम आमतौर पर शादियों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखें। फ्रंट पे जो 2 हॉर्स बने हुए हैं उसके ऊपर, ऊपर बैक साइड पे पीछे आप बग्गी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो सबसे खुशाइन बात यह है कि हमारे इस शहर में अल करम शॉपिंग मॉल में हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है रोज़मर्रा ज़िंदगी की, और बच्चों के लिए भी ये देखें बहुत बड़ा जो है वो प्ले लैंड ऊपर बनाया गया है। ये देखें, मैंने आपको सारा विज़िट करवाया, अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये एक मैं एलिफेंट आपको दिखाने लगा हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसके साथ ये आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड बनाई गई है, ये भी बहुत खूबसूरत झूला है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो खिलौने हैं बच्चों के लिए, गाड़ियाँ और सब चीज़ें। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं आपको पहले भी बताया, ये आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी भी पड़ी हुई हैं, वीडियो गेम्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो ये बच्चों के जो मैंने आपको बताया प्ले लैंड के पीछे बैक साइड पे जो है वो उन्होंने एक स्टेज बनाया है, अगर आपने किसी बच्चे के या वो बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है चीज़ें, ये देखें। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक सालगिरह की गई है, तो 2000 में जब इसकी बुकिंग की जाती है, तो बहुत अच्छा रेट है इनका। हमारे ही शहर में जो है बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो हमारे लिए खुशाइन चीज़ें हैं यहाँ पर कि हम यहाँ का विज़िट करें और यहाँ से जितनी भी चीज़ें खरीद सकते हैं वो ख़रीदें। जी व्यूज़, यहाँ पर जितने भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स झूले हैं उन सब में जो है वो स्पीकर जो है वो लगे हुए हैं, और अपने तरीके से जो है वो उसकी वॉइस देते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको एंड पे सारा व्यू दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं।
बहुत बड़ा प्ले लैंड है बच्चों के लिए, ये देख सकते हैं पूरा हाल जो है वो इसके लिए वो मैसर किया गया है बच्चों के लिए। तो जी व्यूज़, नेक्स्ट जो है मैं आपको अलकरम शॉपिंग मॉल में जो है वो गारमेंट्स की चीज़ें रखी गई हैं उसका विज़िट करवाऊँगा। ये यहाँ पर बच्चों और लेडीज़ के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है उनमें, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ बच्चों के लिए शर्ट्स लगाई गई हैं, ये देखें मुख्तलिफ़ कलर्स में हैं, ये देखें। उसके साथ जो है वो छोटी बच्चों के लिए कुछ फ्रॉक्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कलर में है और मुख्तलिफ डिज़ाइन में जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर जो है वो गारमेंट्स की चीज़ें कपड़े, ये मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, ये देखें। ये आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए रिबॉक की कंपनी है, ये इसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये देखें ये गारमेंट्स के लिए ये हाल जो है वो पूरा हाल ये गारमेंट्स की चीज़ें हैं। यहाँ पर लेडीज़ और बच्चों के लिए वो कपड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है अलकरम शॉपिंग मॉल में, तो हर चीज़ जो है वो गारंटी के साथ अवेलेबल होगी लेडीज़ को डील करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो लेडीज़ को डील करने के लिए यहाँ पर जो है वो लेडीज़ ही हैं जो लेडी के साथ जो है वो उनको चीज़ों के बारे में बताएंगी। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये यहाँ पर शर्ट हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पर जो है वो कुछ लेडीज़ के लिए जो है वो बैग्स वगैरह रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ, मुख्तलिफ कलर्स में हैं ये आप देख सकते हैं। तो इधर से आपने शॉपिंग जो है वो लाजमी करनी है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ये नहीं कह सकते आपको कि यहाँ से कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं, खाने से लेकर जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये खूब ये एक और जो है वो मैं आपको फ़्रॉक दिखाने लगा हूँ, बहुत ही खूबसूरत, ऊपर उसने जो है वो गर्म जो है टोपी पहनी हुई है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनी हुई है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है लेडीज़ और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी, ये देखें छोटी बच्चों के लिए, ये देखें सर्दियों के लिए मुकम्मल सेट जो है वो इधर लगाया गया है। उसके साथ ही ये छोटी बच्ची उसकी फ़्रॉक है, ये देखें ये छोटा बेबी है, ये उसकी ड्रेसिंग की गई है, गर्म कपड़े हैं ये सारे।